एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट। इवेलुएट द फॉलोइंग, इसकी वैल्यू हमको इवेलुएट करनी है 99 होल क्यूब। और कैसे करनी है, दो तरीके हैं। पहला अपना देसी तरीका, 99 को मल्टीप्लाई कर दो 99 से, फिर इसको 99 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि देसी तरीका तो सबको पता ही है, लेकिन हमको आइडेंटिटी यूज करके करना है। तो देखो ये क्यूब हो रखा है, 99 का क्यूब है, तो क्यूब वाली आइडेंटिटीज याद करो कौन कौन सी थी। अपने पास क्यूब वाली कितनी आइडेंटिटीज थी, दो आइडेंटिटीज थी क्यूब वाली, ठीक है, याद आया। कौन सी थी, आइडेंटिटी नंबर 6 थी और आइडेंटिटी नंबर 7 थी, याद आया। क्या थी, एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyx प्लस वाई, सिमिलरली एक्स माइनस वाई क्यूब क्या थी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस प्लस नहीं माइनस 3xy एक्स माइनस। एक और आइडेंटिटी थी क्यूब वाली, वो थी ये वाली, याद करो। सबसे बड़ी जो आइडेंटिटी थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है पूरे को, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आइडेंटिटी थी। तो क्यूब वाली अपनी तीन आइडेंटिटीज थी, इन तीनों में से कोई एक यूज होगी। ध्यान से देखो, होल क्यूब हो रहा है, 99 पूरे का क्यूब है, पूरे का क्यूब के लिए ये आइडेंटिटी तो काम नहीं करने वाली। फिर इन दोनों को देखो, इन दोनों पे नजर डालो, ठीक, क्या हो सकता है, हम 99 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, सॉल्यूशन 99 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 100 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं क्या 99 को। हमने क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि हमको क्यूब वाली एंट्रीज दिख रही थी, या तो एक्स प्लस वाई क्यूब या एक्स माइनस वाई क्यूब। अब हमारी ये क्या बन गया, दिस हैज बिकम एक्स एंड दिस हैज बिकम वाई। हम इसको कैसे लिख सकते, एक्स माइनस वाई का क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। देखो क्या है आइडेंटिटी, एक्स माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। तो इसमें हमारा एक्स क्या है, 100 है, और वाई क्या है, वाई क्या है, एक्स माइनस वाई, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, माइनस 1 नहीं होगी, याद रखना 1 होगी, क्योंकि एक्स माइनस वाई वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं ये वाली। गौर से देखो, ये एक्स है, ये माइनस है, ये वाई है, ये एक्स है, ये माइनस है, ये वाई है, ठीक। तो एक्स की जगह पे रख दो 100 और वाई की जगह पे रख दो 1, ये चीज यूज करो, ठीक। तो हमारे पास है एक्स क्यूब, यानी कि 100 का क्यूब माइनस वाई का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3xy, है ना। तो एक्स क्या है, 100 है, और वाई क्या है, 1 है, और यहां पे एक और ब्रैकेट लगे हुआ, एक्स माइनस वाई, एक्स क्या है अपना, 100 है, माइनस वाई, ठीक। तो ये निकल के आ रही है 100 माइनस 1 क्यूब की वैल्यू, ये निकल के आ रही है, ठीक। हम इसको क्यूब को खोलते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 100 का क्यूब कितना होता है, दो जीरो लगे हुए हैं, एक दो क्यूब करेंगे तो 2 × 3 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, और ये माइनस है, माइनस का था ना, और ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो -3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो -300 आएगा, और ये 100 माइनस 1 कितना होता है, 99 होता है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक। तो ये क्या आ गया आपका, 1 क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 0 -1, और यहाँ पे -300 × 99 कितना होगा, 9 × 3 = 27 का 7 कैरी 2 × 9 = 28 29, तो 29700, और ये भी 1 है, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, इन दोनों को भी जोड़ लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 1 2 3 4 5 6 माइनस, इन दोनों को जोड़ लेंगे 29701,
जब आप इसको माइनस करोगे इसमें से तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस करो, यहाँ पे कैरी आ गया 10, 10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ पे 9 था 9 में से 0 गया 9 बचा, यहाँ पे भी 9 था 9 में से 7 गया 2 बचा, यहाँ पे भी 9 था 9 में से 9 गया 0 बचा, यहाँ पे भी 9 था 9 में से 2 गया 7 बचा, और यहाँ पे भी 9 था, ये आ गया 1 2 3 4 5। ये है आपका आंसर। जब आप इसको इवेलुएट करोगे तो यही मिलेगा। इसका दूसरा तरीका भी इवेलुएट करने का, जो अपना देसी तरीका है, 99 को मल्टीप्लाई कर दो 99 से और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 99 से, तो इसको भी कर लेते हैं। पहले 99 को सिर्फ 99 से मल्टीप्लाई करते हैं। 99 81 का 1 कैरी 8, 99 81 81 प्लस 8 89, फिर क्रॉस लगा देंगे दोबारा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 1 9 और 8 1 9 और 1 प्लस का 0 कैरी 1 8, एक नौ नौ भी नेट रखा 8 कैरी, इसको फिर से 99 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 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
यहाँ से 9 आ गया, ये जोड़ा 9 आ गया, ये 2 आ गया, 8 + 2 10 का 0 कैरी, ये 8 1 9, 8 1 9 और 9 और 8 17 का 7 कैरी, 1 कैरी हो गया, 8 + 1 9, ये और ये मैच कर लेगा। ठीक, तो किस तरह से करते हैं सवाल को हम ऐसे, तो यही सही तरीका है, लेकिन हम ऐसे चेक कर सकते हैं, चेक कर लिया आंसर मैच कर गया, मतलब हम डबल श्योर है कि हमारा करा हुआ सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, इवेलुएट द प्रॉब्लम 102 का क्यूब इवेलुएट करना है। फिर से अपने पास एक क्यूब वाले 3 आइडेंटिटीज हैं, इन तीनों में से कोई एक आइडेंटिटी यूज होगी, तो हम इसको उस फॉर्म में लिखेंगे ताकि इनमें से कोई एक आइडेंटिटी यूज हो सके। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 102 को, 100 + 2 का क्यूब लिख सकते हैं। देखो बच्चों, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम 100 ही क्यों यूज करते हैं, 100 + 2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 99 + 3 लिख सकते हैं, लेकिन समझे 99 का क्यूब करने में बहुत दिक्कत आएगी, 100 का क्यूब बहुत आसान होता है, 100 का क्यूब आसान है, 2 का क्यूब भी आसान है, यहाँ पे 99 का क्यूब भी मुश्किल तो है, ये 3 का भी थोड़ा सा बड़ा ही आएगा 2 से, तो हम हमेशा इस टाइप के नंबर्स में इसको ब्रेक करते हैं जिनसे कि हमको मैथमेटिक्स आगे आसान हो जाए। ठीक, तो हमने ये कर दिया, अब हमें क्या करना है, अब हम इसका आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, गौर से देखो, एक्स प्लस वाई, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है हमारी, ये एक्स प्लस वाई की, यानी आइडेंटिटी नंबर 6, ये है हमारा एक्स और ये है हमारा वाई। ठीक, तो हम ये आइडेंटिटी सीधे सीधे लगा देंगे, आइडेंटिटी 6 यहां पे लिख सकते हैं हम, यूजिंग आइडेंटिटी 6, ये हमारा बन गया x प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक, x की जगह पे 100, y की जगह पे 2, तो हो गया ये हमारा 100 + 2 क्यूब इज इक्वल टू, x की जगह पे 100, 100 का क्यूब प्लस वाई की जगह पे 2, 2 का क्यूब प्लस 3, एक्स की जगह पे 100 और वाई की जगह पे 2, फिर बराबर है कि 100 एक्स की जगह पे और वाई की जगह पे 2। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम इसको आगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और इसमें हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स और करेंगे। 100 का क्यूब कितना होता है, 1 के आगे 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 0, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो ये 8 हो गया प्लस। अब यहाँ पे देखो, 3 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, फिर उसको 2 से, फिर उसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 100 कितना हो गया, 300, 300 × 2 600, और ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हम जोड़ के लिख देते हैं 100 2। ठीक, अब हमको सिर्फ ये प्लस ये प्लस ये करना है, लेकिन 600 को 102 से मल्टीप्लाई करना है, तो 102 को यहाँ लिखा और 600 यहाँ लिखा, कर दिया मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 0 लग जाएगा, 0 लग जाएगा, 6 × 2 = 12 का 2 कैरी 1, 6 × 0 = 0, 1 जुड़ गया तो आगे नीचे 600,
100 to 75 करना भी बहुत आसान होता है, सीधे सीधे आ गया 6 1 2 00। तो हमारी ये कैसी क्या बन जाएगी इक्वेशन, बन के आगे 6 0 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस ये 6 1 2 और 00। अब इनको जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, डबल ये यूनिट 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 ये आएगा सबसे पहले, फिर ये और ये 0, फिर ये वाले टर्म और ये वाले टर्म जुड़ेगी 2 आएगा, फिर ये वाले टर्म और ये वाले टर्म जुड़ेगी 1 आएगा, फिर ये वाले टर्म और ये वाले टर्म जुड़ेगी 6 आएगा, फिर ये वाले टर्म का इधर कुछ है नहीं तो 0 आ जाएगा आपके पास। ये हो गया आपका आंसर। अब चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, 102 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 102 मल्टीप्लाइड बाय 102 मल्टीप्लाइड बाय 102, यही आंसर आना चाहिए। ठीक है चलो, हमने सेकंड पार्ट भी खत्म कर दिया। क्वेश्चन 7 पार्ट 3, 998 का क्यूब निकलता है। वापस से गौर से देखो इसको, ये क्या बन रहा है, इसमें हमें क्यूबिक आइडेंटिटी कौन कौन सी पता है, ये 3 आइडेंटिटीज पता है हमको, तो हम 998 को ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे 998 को, 1000 माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, वो दोबारा से देखो, एक्स माइनस वाई का क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी बन रही है। इस आइडेंटिटी को यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 7, और हमारा एक्स और वाई क्या है, एक्स ये हो गया 1000 और वाई हो गया हमारा क्या होगा, वाई 2 होगा, -2 नहीं होगा क्योंकि एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो वाई क्या होगा 2 हुआ ना। ठीक ठीक है, तो अब हम इसमें ये आइडेंटिटी लगा देंगे। तो हम इस आइडेंटिटी का RHS तो ये है राइट हैंड साइड, सॉरी LHS ये है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है ये है, तो हम ये लिखेंगे अभी यहाँ। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे एक्स, ये हमारा क्या हुआ, ये हो गया हमारा, दिस इंप्लाइज दैट 100 1000 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 1000 रख देंगे इस आइडेंटिटी। ठीक, तो 1000 क्यूब माइनस 2 क्यूब, वाई की जगह पे 2 रख देंगे, -3xy -1000 वाई की जगह पे रख देंगे 2, और फिर बराबर रखें एक्स माइनस वाई, एक्स क्या है 1000 माइनस वाई क्या है 2 है, बस ये हो गया हमारा। तो ये किसके बराबर आ गया हमारा, 1000 का क्यूब, यानी कि 8 2 3 9 0 लगेंगे था वन के आगे, तो वन के आगे 9 0 लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -2 का क्यूब, 2 × 2 × 2 तो कितना हो गया, 2 × 2 × 2 होता है 8, -3 को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को पहले 2 से कर लिया, 3 2 6 और 6 को कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 6000, और इधर कितना आ गया 1000 माइनस 2 कितना आ गया 998। बस अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये माइनस कर दो जो भी है, तो 1 के आगे लग गया 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 998 को मल्टीप्लाई करना है हमको, 1 2 3 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 3 0 पहले लगा दो, 6 8 48 का 8 कैरी 4, 9 6 54, 54 प्लस 4 58 का 8 कैरी 5, 9 9 6 फिर 54 आ गया, 54 में 5 जोड़ दिया कितना आया 59, तो ये बन गया आपका -8 -5 9 8 8 8 2 3। ठीक, आप नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ लेंगे, पॉजिटिव को एक तरफ रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा 5 9 8 8 0 0 8 आ गया, नेगेटिव था ये भी नेगेटिव था ये भी, दोनों जुड़ गए तो बड़ा हो गया नेगेटिव नंबर, मैंने सिर्फ इतना नेगेटिव नंबर उसमें 8 और जुड़ गया इतना बड़ा हो गया नेगेटिव नंबर। ठीक, यहाँ तक समझ में, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कैसे माइनस करेंगे, कैरी लेते हुए चले जाएंगे, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे 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 10, 10 में से इसमें से 8 माइनस किया 2 आ गया, यहाँ पे 9 था 9 में से 0 माइनस किया 9 आ गया,
यहाँ पे नाइन था, नाइन में से जीरो माइनस किया, यहाँ नाइन, यहाँ पे नाइन था, नाइन में से एट माइनस किया तो यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे नाइन था, यहाँ पे एट माइनस किया तो वन आ गया, यहाँ पे नाइन था, यहाँ से नाइन माइनस किया तो जीरो आ गया, यहाँ पे नाइन था, यहाँ से फाइव माइनस किया तो फोर आ गया, यहाँ पे नाइन, यहाँ पे नाइन, यहाँ पे नाइन, तीन नाइन, नाइन नाइन नाइन, ये है आपका। हाँ सर, काफी बड़ा है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना बच्चों, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। चेक करने का वही पुराना तरीका, इसी का क्यूब निकाल लो, 998 मल्टीप्लाई 998 मल्टीप्लाई 998 कर लो, यही आंसर आ जाएगा।